हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे हमें क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी पड़ती है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट है, बताऊँ कि जो अपना रिज्यूम है उस रिज्यूम के प्रति लोग थोड़ा लापरवाही करते हैं। लाइक जैसे हमें पता है कि हम कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं या फ्रेशर है, अचानक हमें पता चलता है कि कहीं पे वैकेंसी है या हम फ्रेशर हैं, तो कहीं पता चलता है कॉलेज की तरफ से किसी ने बताया होता है कि वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसे उसी दिन जल्दीबाजी में उस रिज्यूम को अपडेट करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पहले से ही प्लान लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसी दिन रिज्यूम अपडेट करोगे उससे क्या होगा कि जो आपके रिज्यूम में कुछ छोटियाँ गलतियाँ होगी वो आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कई बार स्पेलिंग की गलतियाँ हो जाती है, कई बार ईयर की गलती हो जाती है, आपने किस समय कंपनी में जॉब किया है, किस समय एंटर किया है स्कूल, इस वजह से कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाता है। उसका यही रीजन है कि आप उसे जल्दीबाजी में रिज्यूम बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, रिज्यूम जो आपको बनाना है वो पहले से ही प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आपकी बात करें, अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, आपको अगर पहले फ्रेशर की बात बता देता हूँ कि जो आपने रिज्यूम पे लिखा है, अगर आपने रिज्यूम पर अपना प्रोजेक्ट लिखा है, आपने रिज्यूम में प्रोजेक्ट लिखा है या आपकी जो फेवरेट टॉपिक है, आपने उसके टॉपिक पर लिखे हैं कि मुझे कुछ भी लैम्बर्ड हो या फिर टेबलेट के बारे में, जो भी लैम्बर्ड गियर हो, यूबी के पेंसिल, इस टाइप से जो भी आपको अच्छी तरह से आता है वो आपने लिखा हुआ है, तो जितना आपने रिज्यूम में लिखा है उसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने जो रिज्यूम पे लिखा है और उसका अच्छा नॉलेज नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं आप उसे मारा होगी। सेकंड उसके बाद आता है कि फ्रेशर की बात, ये तो फ्रेशर की बात है, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की बात। एक्सपीरियंस में भी वो चीज़ें लागू होता है कि आपने जितना आपके रिज्यूम पे लिखा हुआ है, आपके जो रिज्यूम पे जितना मेंशन हो रखा है उतना ही आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा आपको भले नहीं पता है लेकिन सबसे पहले जो इंटरव्यू लेता है जरूर सबसे पहले रिज्यूम देखेगा और रिज्यूम के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर लगेगा, हाँ इसने ये वाला इंस्ट्रूमेंट चलाया या इसको टैबलेट के बारे में नॉलेज है, कैप्सूल के बारे में नॉलेज है, तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जरूरी, आप अपना रिज्यूम पढ़ के जाओ, उसमें देखो कि जो मुझे लगता है कि नहीं है उसे हटा दो, कोई नहीं आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा था या कम आता, उसे आपने हटा दो, बट जितना रखोगे उतने को आप जरूर नोट करें कि उतने को आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेगा वो सबसे पहले आपके रिज्यूम से ही आपके क्वेश्चन बनाएगा, बाद में अलग पूछेंगे, अलग भी रहता है, उनको अलग पढ़ के जाना ही पड़ता है, बट इंपॉर्टेंट यह है कि जितना आपके रिज्यूम पे है वो रिज्यूम के अकॉर्डिंग आपको उतना पता होना चाहिए। उसके बाद करते हैं कि जब फ्रेशर है तो फ्रेशर में तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि जब आप फ्रेशर तो आप अपने हिसाब से सैलरी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर तो जो कंपनी के अपने रूल्स होते हैं उस हिसाब से कंपनी फ्रेशरों को प्रोवाइड करती है जो भी उनकी मंथली सैलरी होती है। बस एक्सपीरियंस के केस में इसकी ध्यान रखनी होती है कि एक्सपीरियंस के केस में आपको जो आपका CTC है और आपका जो इनहैंड है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जहाँ इंटरव्यू देंगे HR आपसे पूछेगा कि आपकी CTC कितनी है, आपकी इनहैंड कितनी है, तो वहाँ पे बहुत से सारे एम्प्लॉय होते हैं वो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एक्चुअली इसमें मतलब CTC क्या है और इनहैंड क्या है। तो इन चीज़ों को आप अपने सैलरी स्लिप पे अच्छी तरह से देख लें, पहले आप देख लें कि मेरा कितने का आया है। हाँ, एक और चीज़ आती है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपका पैकेज कितना है। आप ये पैकेज, बहुत से लोग हैं जो अभी नहीं समझते हैं कि पैकेज का मतलब क्या होता है। पैकेज का मतलब होता है जो आपका ईयरली आप कितने आपका पैकेज है। ईयरली का मीन्स है आपके CTC सपोज है 50,000, तो CTC 50,000 है, तो 50,000 इंटू अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका 12 से मतलब 12 महीने का, तो जो आपका निकलेगा वो आपका क्या होता है CTC। ऐसे ही आपकी वैसे वो आपकी कितनी निकल जाएगी, पैकेज निकल जाएगा जो आपका CTC, इसलिए बोलते हैं कि आपका पैकेज कितना है। तो आप बताते इतने 6 लाख पर ईयर, 5 लाख पर ईयर, इस टाइप से आपका पैकेज होता है, तो ये आपको पैकेज बताना है। और इन हैंड की बात मैं करूँ कि जो आपके अकाउंट में जो पर मंथ सैलरी आती है वो आपका इन हैंड कहलाता है। तो आप इन चीज़ों में कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो कि यार इन हैंड क्या होता है और पैकेज क्या होता है, CTC क्या होता है, क्योंकि ये जितनी जल्दी आपको पता होगा, आपको अच्छी नॉलेज होगा, तो आप HR वाले हो या जो HR के पर्सन होते हैं या मैनेजर्स जितने भी होते हैं उनको ये लग जाता है कि हाँ जो एक्चुअली जो इनकी सैलरी आती है एम्प्लॉय अपना एक्चुअली बता रहा है और इसमें कोई भी इसमें हेरफेर नहीं है। वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर एक शक हो जाता है कि जब एम्प्लॉय अपनी सैलरी नहीं बता पा रहा प्रॉपर ढंग से, तो हम उस पर कैसे बिलीव करें आगे काम पे लेके, या बहुत सी चीज़ें कि ये सही बता भी रहा पाएगा कि नहीं बता पाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा तब जब आपको ये सब चीज़ें के बारे में पता लेके चलोगे आप। इसके बाद मैं आप बात करता हूँ चौथे नंबर पे कि जो अपना आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो एटलीस्ट उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नेट पे या कहीं भी इधर उधर से पूछ के सर्च मार के आपको इन्वायरमेंट से लेकर उसकी कैप्सूल बनती है, टैबलेट होती है, इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके अंदर क्या है, सब कुछ वहाँ पे इंजेक्शन बनते हैं और आपका नॉलेज टैबलेट का है,
बट आप इंटरव्यू देने गए और वहाँ पर पता चला इंजेक्शन के बारे में आपसे पूछ लिया कुछ चीज़ें या ऑइंटमेंट के बारे में पूछ लिया, तो उससे क्या हो गया आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़ा कहीं पे आपको दिक्कतें आ सकती है। इसलिए आपको लगता है कि इस कंपनी में जहाँ जा रहे हो उस कंपनी में जो बनता है वो टेबलेट बनते या इंजेक्शन बनता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप अपना भी समय वेस्ट करेंगे और जो इंटरव्यू लेंगे उनका भी समय वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो खुद ही आपको बोल देंगे कि आपको तो इस चीज़ का एक्सपोजर नहीं है। वैसे कोशिश ये करें आप ऐसा कि जहाँ पे जिस कंपनी में आपको लगता है जिसमें आपका खुद का एक्सपीरियंस है टेबलेट है या कैप्सूल का है, तो आप कोशिश करें कि पहले अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं कि मुझे इंजेक्शन के बारे में अच्छी तरह से पता है तभी आप ऐसी कंपनी में जाएं कि जिसमें इंजेक्शन होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर हूं तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें, उसके बाद अच्छी तरह से सीख लें समझें, बहुत सारी वीडियोएं होती हैं वो वीडियो देखें, गूगल पे सर्च मारें, अच्छी तरह से इसको समझ लें, फिर उसके बाद इंटरव्यू देने जाएं, तो जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद होता है कि ज्वाइनिंग का होता है कि आप एचआर आपसे पूछते हैं कि ज्वाइनिंग कब तक करोगे कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको सीधे बताना है कि जो हमारा अभी जहाँ पे मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ हमारा जो नोटिस पीरियड है वो 1 महीने का है या 2 महीने का है, जो भी नोटिस पीरियड है मैं अपना पहले नोटिस पीरियड को क्लियर करके आऊँगा, तो इस हिसाब से एचआर भी आपको क्या करेगा फिर टाइम दे दें। हाँ, किसी केस में आपको एचआर फोर्स करता है कि हाँ हमें जल्दी यहाँ पे चाहिए होता है जो भी एम्प्लॉय है क्योंकि हमारे पास वर्क बहुत ज़्यादा है जो भी है, तो उस हिसाब से आप अपना जो जैसे आपका 30 दिन का नोटिस पीरियड है तो आप कोशिश करें कि उस समय अपना कोई एक्शन ना ले तुरंत, उसे भी ना बोले कि ठीक है मैं 10 दिन में ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है मैं 5 दिन में ज्वाइन, ऐसा नहीं है। आप बोलें कि सर मैं आपको ऑफिस में जाके अपने जो नोटिस पीरियड में एक बार पहले चेक करूँगा पढ़ूँगा उसमें कि उसमें कुछ ऐसे है उसमें कुछ हमारी SOP के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं अगर, तो मैं एक बार देखूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसमें ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप तुरंत एकदम बोल दोगे मैं 10 दिन में करूँ तो हाँ कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दोगे, क्योंकि आपने दूसरी जगह आपने इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं 15 दिन में 10 दिन में ज्वाइन कर रहा हूँ और आपने जो जिस कंपनी अभी प्रेजेंट में हो और वहाँ पर भी रिजाइन ही नहीं दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप 1 महीने तक खुद ही परेशान होगे, ना HR परेशान होगा ना जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो परेशान होगा, आप सिर्फ और सिर्फ आप परेशान होंगे। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लेना। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ आप ऐसे करना है कि आपको पहले बोलना है कि ठीक, उसके बाद आप घर गए अपने अगले दिन कंपनी गए अपने जो सीनियर्स होते हैं तो उनसे भी बातें करें कि सर ऐसी सी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले पर से आप एक्सपीरियंस वाले जितने भी ऑर्डर उनसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों से आगे कहीं ना कहीं सर्वे किया होगा उन लोगों ने, तो हो सकता है आपको अच्छी तरह से राय दें कि ऐसा करो उनको ऐसे फ़ोन कर दो ऐसे बता दो, तो उस हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं, बट तुरंत जवाब नहीं देना आपको। और उसके लिए फिर आपको लगता है कि हाँ मैं 10 दिन में ज्वाइन कर सकता हूँ तो आप यू कैन कॉल, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने गए आप कॉल कर सकते हैं उन्हें, उन्हें बता सकते हैं कि सर एक्चुअली मैं 10 दिन में या 20 दिन में ज्वाइन कर लूँगा।